नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे कंपटीशन सपोर्ट में। दोस्तों, आज का वीडियो खेल एवं उनके स्थान के ऊपर है। आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएगा। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का सीजन चल रहा है, तो नेक्स्ट के 5-7 वीडियो मैं करंट जीके के ऊपर ला रहा हूँ। आप उन्हें ज़रूर देखना, आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होगी। दोस्तों, अभी आपके रेलवे जेई के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। थोड़े ही दिनों में एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो इन तीनों एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाकी स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक आदि में भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी मैं गेम बताऊंगा, ये हर 4 साल के अंतराल में आयोजित होते हैं। तो सबसे पहला गेम है कॉमनवेल्थ गेम। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम में 51 देश खेलते हैं जो ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे। तो 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018 ऑस्ट्रेलिया देश के गोल्ड कोस्ट सिटी में 2018 में आयोजित किया गया था। और अगला जो गेम है वो 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंगम में खेला जाएगा। दोस्तों, 2018 के मेडल टेली की बात करें तो इस मेडल टेली में 198 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे तथा 66 पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पे रहा था। अगला गेम है एशियन गेम या एशियाई खेल या एशियाड। एशियन गेम में केवल एशिया की कंट्री भाग लेती है। एशियन गेम भी कॉमनवेल्थ गेम के साल ही आयोजित होते हैं। तो लेटेस्ट में 18वां एशियन गेम 2018 जकार्ता के प्लंगबंग में आयोजित हुआ था। अब 19वां एशियन गेम 2022 में चीन में आयोजित होगा तथा सिटी का नाम है हांगजाऊ। 2018 एशियन गेम के मेडल टैली की बात करें तो 289 पदक के साथ चीन फर्स्ट पोजीशन पे रहा था तथा 69 पदक के साथ इंडिया 8वें स्थान पे रहा था। अगला गेम है फीफा वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये गेम भी एशियन गेम तथा कॉमनवेल्थ गेम के कैलेंडर वर्ष में आयोजित होता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में संपन्न हुआ है। इस वर्ल्ड कप में फाइनल में फ्रांस तथा क्रोएशिया की टीम थी, जिसमें फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीत लिया। आगे है फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम तथा फीफा वर्ल्ड कप के साथ शीतकालीन ओलंपिक गेम, ये चारों गेम एक ही कैलेंडर वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट गेम है, इन चारों गेम से जस्ट अगले साल आयोजित होने वाला गेम, तो नेक्स्ट गेम है क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड तथा वेल्स में आयोजित होंगे। ये 30 मई से 14 जुलाई तक खेले जाएंगे। पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015, तो ये ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ था। इसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की टीम थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 जीत लिया था। अगला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट है क्रिकेट वर्ल्ड कप के जस्ट अगले साल मतलब 2020 में होने वाला गेम है ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम सबसे पुराना गेम है जो 1896 से खेला जा रहा है। ओलंपिक गेम दो तरह के होते हैं, पहला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा है शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम गर्मियों में खेला जाता है, इस कारण इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम कहते हैं, जबकि शीतकालीन ओलंपिक गेम सर्दियों में खेला जाता है। अगर एग्जाम में सीधा ओलंपिक गेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन को बिना मेंशन किए हुए सीधा क्वेश्चन ओलंपिक गेम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ही क्वेश्चन का आंसर देना है। आप बेझिझक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आंसर दे सकते हैं। तो ओलंपिक गेम 2020 जापान के टोक्यो में आयोजित होगा। इसमें आपको सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे अगला ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित होगा। अब बात कर लेते हैं पिछले ओलंपिक गेम की। तो पिछला ओलंपिक गेम 2016 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ था। इस ओलंपिक गेम में भारत को केवल 2 मेडल ही प्राप्त हुए, और ये दोनों मेडल फीमेल कैंडिडेट ने जीते। पहला मेडल बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने सिल्वर पदक जीता तथा दूसरा मेडल साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट गेम्स एवं उनके स्थान।
आप इसको पेपर पे लिख लेना और एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप इन्हें ज़रूर देख के जाना। तो दोस्तों इसी तरह अगला वीडियो भी मैं करंट अफेयर के ऊपर बनाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट करंट जीके होगा उसी को मैं वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।